बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आई एम वकास अहमद टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड फोर दिस इज आर यूनिट नंबर फोर अबाउट डेसिमल्स एंड आर लेसन नंबर 11 इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द एसएलओ मल्टीप्लाई अ टू डिजिट नंबर अप टू टू डेसिमल प्लेसेस बाय 100 एंड 1000 हम लोगों ने बेसिकली टू डिजिट नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है जिनके डेसिमल प्लेसेस जो है मैक्सिमम हो डेसिमल प्लेस तक और किससे मल्टीप्लाई करना है विद ये इसके क्विक मेथड्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के और आप क्विकली इसके आंसर निकाल सकते हैं तो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं तो प्रीसमेंट की तरफ चलते हैं वट इज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन क्या है में से हर स्टूडेंट ने डेफिनेशन राइट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर कि मल्टीप्लीकेशन है क्या और एटलीस्ट वन एग्जाम्पल देनी है जो कि हम लोगों ने होल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में में पढ़ा था जैसा कि मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं थ्री फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है सो so क्विकली आप मल्टीप्लाई करें एक एग्जाम्पल दें और बताएं कि इसको सारा उसका प्रोसीजर राइट करें आपने हर सारे स्टेप्स करने हैं मल्टीप्लीकेशन के अब आ जाए डेसीमल्स की तरफ डेसीमल्स क्या है डेसीमल्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेसन में भी स्टडी कर चुके हैं और ये डेसीमल बेसिकली फ्रैक्शन होते हैं सो so फ्रैक्शन की एक टाइप है जिनका जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज वन होता है वन डेसीमल प्लेस वन डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं जैसा कि 3.3 है वन डिजिट है तो ये वन डेसिमल प्लेस्ड नंबर हो गया सो so, अब आ जाएं आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिटेल डिस्कस करना है उसको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डेसिमल प्लेस मतलब कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा जैसा कि 4.2 है इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन डेसिमल प्लेस अप टू टू डिजिट नंबर्स विद टेन हंड्रेड आर थाउजेंड यही हमारा आज का एसएलओ है, है इससे हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है तो अब आ जाए एक एग्जांपल देखते हैं और पहले देखते हैं कि उससे पहले देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसीमल्स क्या है टू मल्टीप्लाई आर डेसीमल फर्स्ट मल्टीप्लाई एज इफ देयर इज नो डेसीमल नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इन ईच फैक्टर फाइनली पुट द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बिहाइंड द डेसिमल इन द प्रोडक्ट एक चीज आप नोट करें मैं यहां पर अगर मल्टीप्लाई करता हूं थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर और ये मेरे पास बनता है ट्वेल्व सो आप एक चीज देखें कि ये जो है ये फैक्टर होगा ये आप लोगों ने सेकंड यूनिट में भी स्टडी किया था फोर जो है ये भी फैक्टर होगा और ये जो है ये प्रोडक्ट होगा सो so, अब यहां पर देखें आपने क्या करना है फैक्टर फैक्टर और प्रोडक्ट अब आपके पास एक डेसिमल नंबर है थ्री पॉइंट टू है इसको मल्टीप्लाई करते हैं टेन के साथ अब कंसीडर करें कि कोई भी जो है जहां पर डेसिमल नहीं है इसको हम लोग विदाउट नंबर थर्टी टू ही करते हैं। 32 को मैं 10 से करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 320. अब के बाद कितने डिजिट है मीन के थ्री पॉइंट टू जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वन डिजिट है सो so, मैंने राइट right साइड से इधर से काउंट करना है और प्रोडक्ट में डेसिमल नंबर लगाना है तो वन डिजिट है तो वन डिजिट को छोड़ दूंगा और राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा और डेसिमल पुट कर दूंगा so मैंने जब यहां पर डेसिमल पुट किया तो टू थ्री पॉइंट टू जो है ये मेरे पास रिजल्ट बन गया तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोगों ने यही मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी है और इसकी एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है एग्जाम्पल की तरफ आ जाए असलम बायस टेन चॉकलेट रेट ऑफ ईच चॉकलेट इज रुपीज थ्री टू पॉइंट फाइव फाइन द टोटल मनी असलम गिव टू दॉपकीपर उसने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो है Aslam ने कितनी पाई की वो टेन की और हर जो चॉकलेट है उसकी प्राइस क्या थी टू पॉइंट फाइव रुपीज सो so, टू पॉइंट फाइव रुपीज को हम लोगों ने टोटल कॉस्ट फाइन करनी है टोटल फाइन करने के लिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे देखे रुपीस टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो मैंने पहले आपको बताया है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ट्वेंटी फाइव बन जाएगा एक चीज याद रखें जब भी किसी डेसिमल को टेन हंड्रेड या थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आपने सिंपली ये पॉइंट को मूव करना है प्रोडक्ट में अब यहां पर देखें ये टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है लेफ्ट की साइड की तरफ मूव होगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट में हम लोग ओनली ट्वेंटी अगर ट्वेंटी फाइव को मैंने रुपीज टू पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करना होता हंड्रेड के साथ तो मैंने क्या लिखना था कि विदाउट कंसिडरिंग डेसीमल तो ट्वेंटी फाइव को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना था ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो so, यहां पर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू जीरो इस डेसिमल पॉइंट को टू यहां तक ऐसे मूव करना है तो ये क्या रिजल्ट बना टू फाइव तो ये रिजल्ट बन गया अगर थाउजेंड से करते तो थ्री डिजिट्स जो है वो हम लोग लेफ्ट की तरफ सॉरी राइट right की तरफ मूव करते सो ये क्विक मेथड था जिससे आप किसी भी डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टेन हंड्रेड या थाउजेंड से सिंपली आपने डेसिमल को रिजल्ट में राइट कर देना है और फर्स्ट फिगर राइट करने के बाद जैसा कि फोर थ्री पॉइंट सेवन एट है इसको मैंने थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है चीज यही रहेगी फिगर सेम यही रहेगी मेरे पास ये वाली फिगर रहेगी और इसमें करना क्या है कि फोर थ्री और इस रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट को यहां से मूव करूंगा थ्री तक मूव करूंगा अगर आगे डिजिट्स खत्म हो जाते हैं तो अपनी तरफ से सात जीरो लगा लूंगा तो क्या बन जाएगा 4, 3, 7, 8, ये रिजल्ट बन जाएगा इस तरह आप इसको क्विकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब आ जाए वर्कशीट की तरफ ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी आप लोगों ने हर इंडिविजुअल स्टूडेंट ने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है तो स्टूडेंट्स रैप अप की तरफ चलते हैं आज के लेसन में हम लोगों ने यह एस एल ओ मल्टीप्लाई करना सीखा टू डिजिट को टू टू डिजिट नंबर था अप वन डेसिमल प्लेस तक उसको टेन हंड्रेड और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना सीखा जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जो आपके पास टू पॉइंट फाइव है उसको आपने टेन से मल्टीप्लाई कर देना है मीन के टेन चॉकलेट्स की प्राइस आपने निकालनी थी फिर आपने 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 चॉकलेट्स की प्राइस निकालनी थी निकाल लेते फिर आप 2.5 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स, इसके साथ आपने प्राइस निकालनी थी तो क्या बनती थी हमारे पास 2 5 250 25 ये तो इस तरह आप गिवन डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10, 100 और 1000 के साथ तो अब आ जाए होमवर्क की तरफ होमवर्क में आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है इन वी विल सी इन आर नेक्स्ट क्लास विद न्यू एस एल ओ अल्लाह हाफिज़